क्वेश्चन में हमसे बोला है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट आर इन द रेशियो। जो प्लॉट की लेंथ दी है और ब्रेथ दी है वो किस में दी है, रेशियो में दी है, 11:4 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब जो उसकी रेट है प्लॉट की वो हमने कितने पे लगाई है, 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। इट विल बी कॉस्ट 75,000। उस पूरे प्लॉट की कॉस्ट कितनी है, 75,000। फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, प्लॉट की डायमेंशन क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था, हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दी है वो किस में दी है, रेशियो में, 11:4 में दी थी। तो लेंथ हो गई 11x और ब्रेथ हो गई 4x। अब पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लगाया, 2 (l + b), एल और बी की हमने वैल्यू लगाई, तो जो हमारा पेरीमीटर निकल के आया वो कितना आया, 30x। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए जो हमें प्लॉट का प्राइस था वो कितना था, (75,000). ठीक है, और स्क्वायर मीटर कितना दिया था, स्क्वायर मीटर कितना था हमारा, 100 रुपीज। ठीक है, तो टोटल पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पैरामीटर तो पैरामीटर को निकालने के लिए ये तो हमने पैरामीटर निकला 30x। अब पैरीमीटर इज इक्वल टू जो हमें प्लॉट का प्राइस था वो कितना था, 75,000 अपॉन 100। जीरो से जीरो गया, ठीक है, और पैरीमीटर की वैल्यू कितनी थी, 30x इक्वल टू 750। जो 30 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 750 डिवाइडेड बाई 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2.5। x की वैल्यू निकल के आएगी 25। जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई उसको हम पुट करेंगे लेंथ और ब्रेथ वाली वैल्यू में। तो लेंथ की हमारी कितनी थी, 11x, तो 11 × 25 कितना हो गया, 275। तो ये हमारी होगी प्लॉट की लेंथ, 275 मीटर। ब्रेथ हमारी कितनी थी, 4x, तो 4 × 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये दोनों हमारे हो गए इसके आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।